हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर 7th की आज हमारी 4th एक्सरसाइज है। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्बिनेशंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। एक्सरसाइज करते हैं 7.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। आपके पास रिलेशन गिवन है, आपको NC2 फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें n की वैल्यू मिल जाती है तो हम यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। n की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? इस रिलेशन से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने एक रिजल्ट किया था, NCA इक्वल्स टू NCB। NCA NCB के इक्वल होता है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है? इफ NC इक्वल टू NCB देन हम लिख सकते हैं या तो A इक्वल टू B होगा, आइदर A इक्वल टू B या फिर A प्लस B इक्वल टू N होता है। ठीक है, A प्लस B इक्वल्स टू N आता है। तो यहाँ से करते हैं, हम ये रिजल्ट लगाते हैं तो यहाँ से हमें N की वैल्यू मिल जाएगी। हमें गिवन है NC8 इक्वल टू NC2, देन A हमारा यहाँ पे 8 है एंड B इज 2। ये अप्लाई करते हैं A इक्वल टू B, ये तो ले नहीं सकते हम, ये वाला लेते हैं A प्लस बी, यानी कि 8 प्लस 2 इक्वल टू N आ जाएगा। तो N की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास? 10 आ गई। अब हमें कंप्लीट सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करके हम सीधा रिजल्ट लगा सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे NC2। NC2 अगर आप निकाल रहे हो NC2 और N की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है, तो हम यहाँ पर 10 रख देंगे, 10C2। इसको सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है NCR का? NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। ओपन करते हैं, 10C2, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 2 इज 8 फैक्टोरियल इंटू R की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ओपन करेंगे 8 फैक्टोरियल, 10 को 8 तक ओपन कर लेते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ये कैंसिल, दिस इज 5, ये आ गया 45 आंसर। तो NC2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 45। सेकेंड क्वेश्चन, 2NC3 रेशो NC3 इक्वल टू 12:1 गिवन है। हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए 2NC3 डिवाइड बाय NC3 इक्वल टू हमें गिवन है 12:1। इसको ओपन करेंगे बाय फॉर्मूला, 2N फैक्टोरियल डिवाइड बाय माइनस कर देंगे 2N माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज डिविजिबल बाय NC3। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 12:1। रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा आपके पास? 2N फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2N माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 3 फैक्टोरियल और ये आपके पास N फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू दे रखा है, ये इक्वल है यहाँ पे 12:1। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए 2N को ब्रेक करेंगे 2N माइनस 1 तक, 2N माइनस 1 फैक्टोरियल तक, तो इसको हम लिखेंगे 2N इंटू 2N माइनस 1, 2N माइनस 2, नेक्स्ट टर्म आएगी 2N माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, पहले हम 2N लेते हैं फिर 1 माइनस करते जाएंगे, डिवाइड बाय 2N माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 से 3 कैंसिल कर दो यहाँ पे, एंड यहाँ आ जाएगा आपके पास N माइनस 3, N को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा N माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय N को ओपन करेंगे N माइनस 3 तक, N इंटू N माइनस 1, N माइनस 2 इंटू N माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 12:1। N माइनस 3 से N माइनस 3 कैंसिल, दिस इज क्या आंसर आएगा इधर? 2N इंटू 2N माइनस 1, 2N माइनस 2, 2N, 2N माइनस 1, 2N माइनस 2 डिवाइड बाय, यहाँ से आ जाएगा आपके पास N इंटू N माइनस 1, N माइनस 2, N इंटू N माइनस 1, N माइनस 2 इक्वल टू 12:1। N से N कैंसिल, ठीक है,
इक्वल है दोनों साइड, 2 से 12 कैंसिल, इधर रहेगा 6। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2n माइनस 2 में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा हमारे पास n माइनस 1 और 2 हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यह n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, ओके। यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, देन इस 2 से भी हम ये 6 कट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, 2 इंटू 2n माइनस 1 यहाँ से बचा हमारे पास, और डिवाइड में बचेगा n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 6/1। 12 को हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, 2 से इधर लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3, दिस इज 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2n माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू दिस 3n माइनस 6, देन n को एक साइड लेके जाएंगे, 3n माइनस 2n, दिस इज इक्वल टू माइनस 1, 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3n माइनस 2n इज n एंड दिस इज 5, n की वैल्यू आ गया आपके पास 5। सेम टू सेम सेकेंड वाला पोर्शन करना है, 2n सी एन एन माइनस एन सी 3, एज इट इज होगा ये भी, आपके पास गिवन है 2n सी 3, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, सेकेंड पोर्शन इज 2n सी 3 डिवाइड बाय एन सी 3, दिस इज एन सी 3 इक्वल टू दे रखा है 11/1। वैसे ही सेम टू सेम फॉर्मूला ओपन करेंगे इसका भी, हम 2n सी 3 किसके इक्वल होगा, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसको सीधा रिवर्स कर देते हैं तो अपॉन में क्या आएगा आपके पास, यहाँ से 3 फैक्टोरियल इंटू n में से 3 माइनस करेंगे, n माइनस 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में अपॉन में रह जाता है n फैक्टोरियल, दिस इज 11/1। वही हम इसको 3 n 2n माइनस 3 तक ओपन करेंगे 2n को, और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, n को ओपन करेंगे n माइनस 3 तक, 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3, ओके, दिस इज 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। सेम टू सेम इस पोर्शन में अप्लाई करते हैं, n माइनस 3 फैक्टोरियल तो रखेंगे एज इट इज, n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल, 2n माइनस 3 से 2n माइनस 1, n से n कैंसिल, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ बच जाएगा n माइनस 1, 2 कॉमन आ गया, ये n माइनस 1 इस n माइनस 1 से कैंसिल, वही सेम टू सेम पोर्शन चल रहा है आपके पास कैलकुलेशन, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 इज अ 4, दिस इज 2n माइनस 1, बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए, और अप 1 में रहेगा n माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 11/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n की वैल्यू फाइंड आउट करो। नंबर थर्ड, हाउ मैनी कोड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल पे आपको 21 पॉइंट गिवन है, हमने कोई सर्कल लिया, इस पे आपके पास कुल मिला के यहाँ पे 21 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसने पूछा कि हम 21 पॉइंट से कितनी कोड ड्रा कर सकते हैं। कोड क्या होती है, अगर किसी भी किसी सर्कल में हम दो पॉइंट को ज्वाइन कर दें, सर्कल से होके जाता है उसको हम बोलते हैं डायमीटर, दिस इज द रेडियस, देन ये आपके पास कोई भी दो पॉइंट को मीट करोगे, आप किसी भी दो पॉइंट को मीट करो तो ये होती है हमारी कोण, ठीक है। तो हमें एक कोण, अब इसने कहा कि 21 पॉइंट से आप कितनी कोण यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। अब हमें ये पता है कि अगर मैं एक कोण यहाँ पे बनाती हूँ तो मुझे दो पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, जब मैं दो पॉइंट को मीट करूँगी तभी मेरे पास एक कोण आती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम यहाँ पे हमें गिवन है 21 पॉइंट, ठीक है। तो हम अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल फॉर्म ए कॉर्ड। कॉर्ड कब बनती है, जब मैं दो पॉइंट को ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। देन we require two points for any chord।
अगर मुझे 2 पॉइंट की ज़रूरत है और मेरे पास 21 पॉइंट है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज किसके बताने हैं कि 21 पॉइंट्स अगर हमें सर्कल पे गिवन हो तो हम कितनी कॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 21 पॉइंट में से हमें 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है। दो दो पॉइंट को सेलेक्ट करके हम कोड ड्रा करेंगे तो ये आ जाएगा 21C2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 21 माइनस 2, 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 20 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 19 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 19 से 19 कैंसिल, 2 से 10। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 210 कोड। क्वेश्चन फोर्थ इज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। हम एक टीम सेलेक्ट करनी है 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स की, 3 लड़के 3 लड़कियाँ होनी चाहिए। सेलेक्ट किस में से करने हैं, 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स में से, ठीक है? तो यहाँ पे हमें चाहिए 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। देखिए 5 बॉयज़ जो 3 बॉयज़ हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे 5 बॉयज़ में से, ठीक है? और जो 4 गर्ल्स हैं उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स। थ्री बॉयज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 बॉयज़ किस में, कितने में से सिलेक्ट करने, 5 बॉयज़ में से, फ्रॉम 5 बॉयज़ इन, अगर मुझे 5 में से 3 लड़के सिलेक्ट करने हैं तो हम कितने वेज में करेंगे, इन 5C3 वेज, ठीक है? सेम टू सेम अगर हमें 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स इन 4C3 वेज, ठीक है? 3 बॉयज़ सेलेक्ट किए 5 में से 5C3, 3 गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे 4 में से तो 4C3। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज फाइव सी थ्री मल्टीप्लाई बाय 4C3, ठीक है? इसको हम सॉल्व करेंगे, 5C3 को क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल, 3 माइनस 5 माइनस 3 इज़ 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 कर लीजिए इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 4 को ओपन करेंगे 3 फैक्टोरियल तक, 1 फैक्टोरियल 1 होता है डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 1 और 2 से 4 कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 4, दिस इज़ द 40, ठीक है? तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 40, तो आपके पास आ गया 40। क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 6 रेड बॉल दे रखे हैं, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मीनिंग क्या है, हमारे पास 6 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल, 5 ब्लू बॉल्स, ये बॉल हमारे पास टोटल गिवन है, 6 रेड 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू, ठीक है? टोटल हमारे पास 16 बॉल है, इनमें से हमें 9 बॉल को सिलेक्ट करना है, बट कंडीशन क्या कहता है कि हर एक सिलेक्शन में 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर आना चाहिए। मान लें कि हम एक एक बॉल निकाल रहे हैं, एक मैंने रेड की, अगर मैं एक बार में 3 बॉल उठाती हूँ, 3 बॉल उठाती हूँ, तो वो हर एक कलर की होनी चाहिए, एक रेड, एक वाइट एंड एक ब्लू,
ठीक है। तो इस तरह से ये कह रहा है कि हर एक सिलेक्शन में आपके पास अलग अलग कलर के सारी बोल आने चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल हमें 9 लेनी है, तो 3 निकलेंगी रेड, 3 बोल रेड आएंगी, एंड 3 बोल वाइट उठानी पड़ेंगी और 3 बोल ब्लू आ जाएंगे। ठीक है, अगर हमें करना है इस तरह से सिलेक्शन की हर एक बार जो हर एक डिफरेंट डिफरेंट कलर की बोल आए, तो हमारे पास 6 में से 3 रेड निकलेंगी, 5 वाइट में से 3 वाइट एंड 5 ब्लू में से 3 ब्लू बॉल। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन कैसे करना है। टोटल बॉल्स है हमारे पास 6 रेड 5 वाइट, टोटल बॉल्स आर एंड 5 ब्लू बॉल्स। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, देर आर 6 रेड 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स है। हमें क्या करना है, हमें 9 बॉल सेट करनी है। ठीक है, जिसमें से हर सिलेक्शन में 3 बॉल जो हैं वो हर एक कलर के आने चाहिए। देन वी हैव टू सिलेक्ट नाइन बॉल्स इन सच अ वे ईच सिलेक्शन consist of 3 different color balls of 3 different color, अलग अलग कलर के हमारे पास बॉल आनी चाहिए। ठीक है, तो हम 6 रेड में से उठाएंगे 3 रेड बॉल, देन द नंबर ऑफ वेज या फिर सीधा भी लिख सकते हो कि हम 6 रेड में से 3 रेड उठा रहे हैं ना, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा आपके पास 3 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 रेड बॉल में से। ठीक है, 6 रेड बॉल्स इन कितने वेज में बनेगा, 6C3 वेज। ठीक है, 6 रेड में से हमने 3 सिलेक्ट करनी है, तो 3 बॉल्स हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगे 6 रेड में से 6C3 वेज में। सेम टू सेम ऐसे ही 3 बॉल्स निकालेंगे हम, 3 बॉल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 वाइट बॉल, वाइट बॉल कितनी है 5, वाइट बॉल इन कितने वेज में हो जाएगा 5C3, ये भी लिख देते हैं 5C3 वेज। ठीक है, फिर 5 ब्लू में से निकालेंगे, then 3 balls can be drawn, can be selected from 5 blue balls in 5C3 ways। ठीक है, हमने बताया कि हमारे पास इतने balls हैं, हमें इस condition के according हमें balls find out select करनी है, then ये हमने selection कर लिया, then total number of ways क्या जाएगा, total number of ways सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, फर्स्ट इज 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3, ओपन करेंगे 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 इज 3 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इज 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, सेम टू सेम इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ओपन करेंगे इसको 6 इंटू 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, एक 3 को ओपन कर लेते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल एक एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, सेम टू सेम हम इसको ओपन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 सारे कैंसिल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे और 3 टू 6 यहाँ से 2 आपके पास टर्म बची 5 इंटू 4
इंटू फाइव इंटू टू इंटू फाइव इंटू टू, ठीक है. फाइव इज अ 20, दिस इज 10 इंटू 10, ये आ गया आपके पास 2000 वेज. डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देर इज एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन. हमें क्या करना है, 52 कार्ड्स में से फाइव कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, फाइव कार्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है. कंडीशन क्या गिवन है, देर इज एग्जैक्टली वन एस, एक ही हमारे पास जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें चार एस होते हैं, ठीक है, चार इक्के होते हैं. हमें क्या चाहिए, वन एस चाहिए, एग्जैक्टली वन आना चाहिए. तो देखो 52 कार्ड्स में से हमारे पास फोर एस होते हैं, ठीक है. फोर एस में से हम एक सेलेक्ट करेंगे, फोर सी वन वे से, क्योंकि हमें एग्जैक्टली वन एस पूछा गया है, वन एस मांगा गया, हर एक कॉम्बिनेशन में एक ही इक्का आना चाहिए, फोर सी वन वेज में आ जाएगा, ठीक है. फोर कार्ड्स में से वन सेलेक्ट हो गया, टोटल हमें सेलेक्ट करने हैं पाँच. पाँच में से एक हमारा एस सेलेक्ट हो गया, लेफ्ट कितने रहे, फोर. एक सेलेक्ट कर लिया हमने एस, तो पाँच में से एक सेलेक्ट होने के बाद हमारे पास चार बच गए, ठीक है. 52 कार्ड्स में से हमने बताया कि चार तो एस होते हैं, इसमें से चार एस निकाल दीजिए, 52 माइनस फोर दिस इज 48 कार्ड बचे, ठीक है. तो चार कार्ड जो बच गए वो हमें फोर कार्ड सेलेक्ट करने हैं 48 कार्ड्स में से, समझ गए. क्योंकि इसने कहा है कि हर एक कॉम्बिनेशन में एक एस आना, एग्जैक्टली वन एस आना चाहिए, तो फोर कार्ड्स में से फोर सी वन वेज, यहाँ से हमारे पास वन एस निकल गया. ये आ गया सिलेक्शन ऑफ वन एस, एक कार्ड यहाँ से सिलेक्ट हो गया. क्योंकि चार एस थे, हमने 52 में से चार निकाल दिए, हमारे पास 48 कार्ड लेफ्ट रह गए, 48 कार्ड बच जाते हैं. और पाँच में से टोटल सेलेक्ट करने हैं पाँच कार्ड, पाँच में से हमने एक सेलेक्ट कर चुके हैं, यहाँ से हमारे पास चार कार्ड और सेलेक्ट करने हैं, कितने में से 48 में से. ये क्या हो जाएगा फिर, 48C4. 48 में से हम चार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो 48C4 टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 48C4 इंटू 4C, ठीक है. चलिए देखिए कैसे करना है इसका सॉल्यूशन. देर आर 4S इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स में से हमारे पास 4S होते हैं, ठीक है. देन 1S कैन बी सेलेक्ट इन 4S एंड 4C1 वेज, ठीक है. हमने क्या किया, एक एस निकाल लिया 4S में से 4C1 वेज में, ओके. देन 4 कार्ड्स कैन बी सेलेक्ट आउट ऑफ रिमेनिंग 48 remaining 48 cards in, हमने जो चार कार्ड सेलेक्ट करने हैं वो जो पीछे हमारे रह जाते हैं 48 कार्ड, 52 में से हमने चार माइनस कर दिए क्योंकि हमें 4S निकाल देने हैं उसमें से, ठीक है. तो बाकी रह गए हमारे पास 48 कार्ड, इसको कितने वेज में सेलेक्ट करेंगे, 4 वेज में, ओके. 48C4 वेज. देन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या आ जाएगा, या फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 4C1 इंटू 48C4. ओपन कैसे करेंगे इसको, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 इज 3 इंटू 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 48 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 48 में से 4 माइनस करेंगे, 44 फैक्टोरियल, ठीक है. 48 माइनस 4 और इनटू रह जाएगा
फोर फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं, फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल इज़ वन। 48 को ओपन करेंगे 44 तक, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 डिवाइड बाय फोर फैक्टोरियल एज इट इज़। 4 को ओपन करेंगे 44 एज इट इज़, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। 44 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 3 टू जैसे ये कैंसिल कर सकते हो। एट अब मल्टीप्लाई कर लो इनकी, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ। क्वेश्चन 7th, इन हाउ मेनी वेज कैन बी सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर्स। हमें क्या करना है, 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। यानी कि 17 प्लेयर्स में से 5 ऐसे प्लेयर हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। कहता है कि जैसे आप 17 प्लेयर टोटल हैं, इसमें से हमने 11 प्लेयर उठाने हैं, ठीक है, 11 प्लेयर की टीम बनानी है। इसमें हमने क्या कहा कि 17 में से ऐसे हैं 5 जो कि बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, 17 में से आपके पास 5 बॉलर हैं, ओके। और हमें क्या करना है, जैसे हमें 11 क्रिकेटर्स की टीम बनाएंगे, उनमें से 4 बॉलर एग्जैक्टली आने ही आने चाहिए, यानी कि 11 में से 4 तो बॉलर होने ही होने चाहिए, ठीक है। 17 में से 5 बॉलर हमें गिवन है, टोटल खिलाड़ी हैं 17, 17 में से 5 बॉलर हैं, और जो हम टीम बनाएंगे 11 प्लेयर की, उनमें हमें 4 बॉलर एग्जैक्टली लेने हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लेंगे, 5 बॉलर में से 4 बॉलर निकाल लेते हैं। देखो टोटल है 17 प्लेयर, ठीक है, 5C4, यहाँ से मिल गए हमें 4 प्लेयर, 4 बॉलर, 4 बॉलर सेलेक्ट हो गए, यानी कि 4 प्लेयर सेलेक्ट हो गए हमारे पास, और कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि मेरे पास 4 बॉलर आने चाहिए 11 प्लेयर्स के। अब हमें टोटल निकालने हैं 11, सेलेक्ट करने हैं 11, 4 हमें मिल गए, तो 11 में से 4 माइनस कर लेते हैं, 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ से, ठीक है, 7 खेल। अब हमें 7 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ कितने में से, टोटल थे 17, 17 में से 4 हमने निकाल दिए, 17 में से 4 यानी 5 बॉलर्स में से सेलेक्ट करें तो 5 निकालेंगे यहाँ से, 5 निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बचे यहाँ से, 12। अब 12 में से हमें 7 बॉलर प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो 12 में से हम निकालेंगे 7 प्लेयर्स, ये आ जाएगा 12C7 वेज। तो 7 प्लेयर यहाँ से सेलेक्ट किए हमने और 4 प्लेयर यहाँ से सेलेक्ट किए। हमें 5 बॉलर में से पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं 4 बॉलर, हमें गिवन है कि 5 प्लेयर बॉल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 4 बॉलर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 5 बॉलर्स, 5 बॉलर गिवन है, 4 सेलेक्ट करने इन 5C4 वेज, ठीक है, एंड 7 मोर प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ कितने में से, टोटल थे 17, 17 में से 5 निकाल देंगे क्योंकि 5 बॉलर थे, उनमें से हमें 4 सेलेक्ट करने हैं, और यहाँ से अगर हम 17 में से 5 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचे यहाँ से 12 प्लेयर्स लिखेंगे। अब हम यहाँ पे 12 प्लेयर्स, हमें क्या करना है, 7 प्लेयर बाकी रह गए क्योंकि 4 तो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, टोटल हमें निकालने हैं 11, ठीक है, 11 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास बच के 7, तो 7 प्लेयर्स हम सेलेक्ट करेंगे 12 प्लेयर में से इन 12C7 वेज, ओके, देन टोटल रिक्वायर्ड सिलेक्शन क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इक्वल टू 5c4 मल्टीप्लाई बाय 12c4. दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करना है. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन इज ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल एंड 6 रेड बॉल्स. डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड. एक बैग में 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल हैं. इनमें से आपको 2 ब्लैक और 3 रेड निकालना है. वेरी इजी क्वेश्चन. 2 ब्लैक बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ कितने में से निकालोगे. 2 ब्लैक निकालोगे तो 5 ब्लैक में से निकालोगे. ठीक है. आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स इन कितने वेज में निकलेगा. 5c2 वेज में. ठीक है. थ्री रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ कितनी है टोटल 6 रेड बॉल्स इन कितने वेज में. 6c3. हमें 3 रेड चाहिए ना तो 6 में से हम 3 रेड बॉल निकाल लेंगे. दिस इज देन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज 5c2 इंटू 6c3. दिस इज इक्वल टू 5c2 को लिखोगे आप 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ओपन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 एज इट इज़. 2 को लिखेंगे दस कैंसिल 2. ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. एक 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं एक एज इट इज कैंसिल 6. 5 टू जो 10 यहाँ से 10 बचा आपके पास और 5 फोर जो 20. दिस इज 200 वेज. क्वेश्चन इज द 9th. इन हाउ मैनी वेज कैन स्टूडेंट चूजन ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज. If 9 courses are available and 2 special courses are compulsory for every student. हमारे पास गिवन है 9 courses. ठीक है. हर एक स्टूडेंट को 5 कोर्स चूज करने हैं. 9 कोर्स में से 5 कोर्स चूज करने हैं. कंडीशन क्या दे दी. 2 स्पेसिफिक courses आर compulsory. 2 कोर्स तो उनके लिए कंपलसरी हो गए हैं. अगर 2 कोर्स कंपलसरी अगर इसमें बोल दिया गया तो 5 में से 2 तो लेने ही लेने हैं. 9 में से 2 गए 9 में से 2 माइनस करेंगे 7. 5 में से 2 माइनस करेंगे इज इट 3. मीनिंग क्या है. 9 में से 5 सेलेक्ट करने थे 2 कंपलसरी हैं तो 5 में से 2 तो कंपलसरी हो गए. चूज़ कितने करने हैं 3. ठीक है. 9 में से हमें 2 कोर्स कंपलसरी है तो 2 तो पहले निकल चुके बिना ही सेलेक्ट करे. 2 कोर्स तो कंपलसरी हैं तो 2 तो हमारे पास आ गए. 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 कोर्स लेफ्ट रह जाते हैं. 7 में से हम 3 कोर्स का सिलेक्शन करेंगे. ठीक है. चलिए देखिए सॉल्यूशन. व्हेन 2 courses are compulsory for every student, then we have to select 3 more courses out of remaining 7 courses. हमें क्या करना है. 3 कोर्स और सेलेक्ट करने हैं 7 कोर्स में से. ठीक है. देन 3 कोर्सेज कैन बी सिलेक्टेड
आउट ऑफ 7 कोर्सेज इन 7 सी 3 वेज। ठीक है, दो तो हमारे पास कंपलसरी थे तो बाकी बचे हमारे पास 7 कोर्स। ओके, तो इसको हमारे टोटल कोर्स कितना होगा, दो तो सिलेक्ट हो ही चुके हैं हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन या फिर रिक्वायर्ड सिलेक्शन लिख सकते हो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 7c3, 7 फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4, 3, 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल, 35 वेज। तो आपके पास आंसर 7.4 इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिसेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।